हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 12 जून 2022 रवि प्रदोष व्रत। सफलता के लिए प्रदोष काल में आज जरूर करें ये एक काम। व्रत त्योहारों की दृष्टि से ज्येष्ठ का महीना बेहद खास होता है। साल 2022 में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी संध्या काल में की जाती है। इस बार ज्येष्ठ शुक्ल प्रदोष व्रत 12 जून रविवार के साथ ही शिव और सिद्धि योग में आ रहा है। रविवार के दिन होने के कारण ये रवि प्रदोष होगा। ज्योतिष अनुसार रवि प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। आज हम आपको साल 2022 ज्येष्ठ शुक्ल प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ योग, पूजा विधि, नियम और रवि प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। ज्येष्ठ शुक्ल रवि प्रदोष शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में ज्येष्ठ शुक्ल प्रदोष व्रत 12 जून रविवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 12 जून सायंकाल 6:36 से रात्रि 8:53 तक। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ होगी 12 जून प्रातःकाल 3:23 पर। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी समाप्त होगी 13 जून प्रातःकाल 12:26 पर। रुद्राभिषेक का समय। प्रदोष व्रत के दिन रुद्राभिषेक का विधान है। इसके लिए शिववास देखा जाता है। ऐसे में अगर इस दिन शिववास है तो रुद्राभिषेक किया जाता है। पंचांग के अनुसार 12 जून को शिववास नंदी पर रात 12:26 पर है। मान्यता अनुसार नंदी पर विराजित शिव का रुद्राभिषेक करना शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन सुबह 3:23 पर कैलाश पर शिववास हो रहा है। नंदी पर विराजमान शिववास की अवधि में भी रुद्राभिषेक करना शुभ होगा। रवि प्रदोष व्रत पूजा विधि। रविवार के दिन होने के कारण यह रवि प्रदोष होगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है। रवि प्रदोष में भगवान शिव, माता पार्वती के साथ ही सूर्य पूजा बेहद लाभकारी होती है। रवि प्रदोष की पूजा से सूर्य से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। आज के दिन सबसे पहले स्नान के बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल में शक्कर डालकर अर्घ दें। इसके बाद अर्घ दिए जल के कुछ छींटे अपनी दोनों आँखों पर दें। इसके बाद शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का मन ही मन जाप करें, क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इसीलिए शाम के समय शुभ मुहूर्त में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराकर उनकी सभी प्रिय पूजन सामग्री उन्हें अर्पित कर साबुत चावल की खीर और फल का भोग लगाएं। अंत में रवि प्रदोष व्रत कथा पढ़कर आरती कर लें। रवि प्रदोष महत्व। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को बेहद प्रिय है। हर महीने के प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ और पुण्य फलदायी होते हैं। इस व्रत का प्रभाव तब और अधिक होता है जब यह रवि प्रदोष हो, क्योंकि इस दिन भगवान शिव के साथ ही सूर्य भगवान की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार रवि प्रदोष करने से आरोग्य और सूर्य से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। मान्यता है कि प्रदोष काल के दौरान साक्षात भगवान शिव शिवलिंग पर अवतरित होते हैं, इसीलिए इस समय की गई उनकी आराधना से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। रवि प्रदोष नियम। त्रयोदशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का ध्यान करते हुए स्नान करें और नहाने के जल में काले तिल डालकर स्नान करें। संभव हो तो इस दिन केवल फलाहार व्रत करें। प्रदोष व्रत में लहसुन, प्याज या नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी को भी कटु वचन नहीं कहने चाहिए। आज के दिन मंदिर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। व्रत के दिन साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही भगवान शिव और सूर्य की उपासना करनी चाहिए। रवि प्रदोष व्रत महा उपाय। रवि प्रदोष शिव गौरी और सूर्य देव की कृपा पाने का दिन है, इसीलिए शिव पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराकर बिल्व पत्र, चावल, फल फूल, धूप दीप, नैवेद्य चढ़ाएं। रवि प्रदोष के दिन तांबे के लोटे में जल भरकर इसमें चावल और पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें। जल अर्पित करते समय सूर्य मंत्र का जाप करें और फिर सूर्य पूजा करें। इससे व्यक्ति को आरोग्य, धन संपदा का वरदान प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए रवि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करें और 21 बार शिव मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत का उद्यापन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत का उद्यापन करके व्रती को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो भी लोग प्रदोष व्रत 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक कर लेते हैं, उन्हें व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान से करना चाहिए। प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि के दिन ही किया जाता है। त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर हवन कर लें। हवन पूरा होने के बाद भगवान शिव की आरती करें और शांति पाठ करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर उद्यापन की विधि पूरी करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।